ओम नमः दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको नकली रुद्राक्ष की पहचान बताई थी ताकि आप धोखे से बच सकें, कहीं से भी खरीदें तो आपको मतलब समझ आ जाए कि नकली में क्या है। जैसे मैंने बताया था ओम नहीं होता, त्रिशूल नहीं होता पिछली वीडियो में, तो मैंने कहा था मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है। देखिए, वैसे बता दूं, जैसे मैंने बताया था असली रुद्राक्ष की वैसे पहचान तो दुकानदारों को होती है, व्यापारी को, बाकी है जैसे, लेकिन फिर भी आज को मैं दो या तीन चीज़ें कुछ ऐसी बताऊंगा जिससे आपको पहचान हो सके। जैसे आप अपने शहर से बाहर मंगवाएं या ऑनलाइन मंगाएं, आपको कैसे पहचान हो। आपको 100% तो आप सीख नहीं सकते क्योंकि ये जिसका काम है वही बताएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ मैं ट्रिक आज बताने वाला हूँ। देखिए, पहली बात तो जो कहते हैं रुद्राक्ष हल्का वो पानी में डूब जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मैं आपको दो चीज़ दिखाता हूँ। ये दो रुद्राक्ष है, दोनों पाँच मुखी हैं। ये जो है ये बहुत भारी है। ये दोनों रियल हैं, एक ही पेड़ के हैं, एक ही चीज़ है। अब क्या हुआ, लोग कहेंगे जैसे ये है, ये हल्का है, अब ये तैर गया, लोग कहेंगे ये नकली है, ये डूब गया तो ये असली है। पर ऐसा कुछ नहीं, दोनों असली हैं। ये वेट का होता है, जैसे मैंने बताया था पेड़ का फल होता है, कोई हल्का होता है कोई भारी होता है। जो भारी होगा वो डूब जाएगा, जो हल्का होगा तैरता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तैर रहा है वो नकली हो गया, ये बाय वेट की वजह से होता है। इसलिए कई लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि जो डूब गया वो नकली है, तो इसी के ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। फिर अब कुछ लोग आपसे ज़्यादा पैसे ले लेंगे क्योंकि वो जैसे दिखाने के चक्कर में, जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा भारी है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है। इसको मैं ये है, ये तैरता रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये नकली हो गया, दोनों असली हैं। पहली तो बात तो ये, दूसरी बात आप कभी लें या तो भरोसे वाली दुकान से लें या फिर आप कुछ भी मंगाए, लैब टेस्टेड मंगा लें। जैसे ये है, अब ये लैब टेस्टेड है, एक मुखी है। अब ये रिपोर्ट है इसकी पूरी, ये ओरिजिनल लैब टेस्टेड एक मुखी है, ये इसकी रिपोर्ट है, तो आपको नकली नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, आप कोई भी रुद्राक्ष आप लें, चाहे पांच मुखी एक मुखी को, वो आप कुछ टाइम बाद आप उसमें तेल लगाएं या ना लगाएं वो ब्लैक हो जाएगा, यानी काला हो जाएगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं काला मतलब, जैसे अभी ये है इसमें हल्का सा लगा रखा है नेचुरल, तो आपको पता है रुद्राक्ष वाइट कलर का होता है। अब इसको जैसे पहनेंगे धीरे धीरे ये ब्लैक हो जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक बारी में, ये देखिए ये एक मुखी है, ये वाइट कलर देखो हल्का सा दिख रहा है आपको नेचुरल, और ये मेरा सेम है, ये कैसे हो गया, ये देखिए ब्लैक हो गया ना ये पहनने के लिए। अब वो आप कुछ भी लेंगे तो ऐसा ब्लैक हो जाएगा एकदम। जितना ज़्यादा पुराना होगा आपका रुद्राक्ष, जितना ज़्यादा ब्लैक, उतना ज़्यादा उसमें शक्ति आएगी, उतना ज़्यादा मजबूत होएगा, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा जितना ज़्यादा पुराना होगा। तो ये था मैंने आपको बताया। तो अब मैंने आपको बताया ऐसे ब्लैक हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको सिंपल सी दो चीज़ तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कैसे पता करें। पहली बात, तो कोई भी रुद्राक्ष लेंगे उसमें जैसे ये नेचुरल आपको दिख रहा है, इसकी लाइनें एकदम गहरी होंगी, लाइनें अंदर तक जा रही होंगी। जो नकली वगैरह जो बनाते हैं कई, वो दूसरे, वो एकदम आपको फिनिशिंग जैसा बहुत सुंदर सा मिलेगा, एकदम साफ़ सुथरा। कुछ लोग वही, ये नेचुरल में कुछ नहीं होगा, आप पहनेंगे या उसमें आप तेल लगाएं घी लगाएं, कुछ टाइम बाद वो ब्लैक हो जाएगा। और दूसरी बात, आप लैब टेस्टेड ले लें। तीसरा बात, पानी वाली बात तो मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं बताया दोनों असली होते हैं, पर फ़र्क इतना होता है जो डूब जाता है वो क्या दाना हैवी होता है, उसको लोग मजबूत मांगते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि जो पानी में रुद्राक्ष डूब गया वो असली है, वो हमें चाहिए। बस उसमें एक ही फ़ायदा होता है, वो दाना मजबूत होता है, भारी होता है, हैवी। बाकी जो हल्के दाने होते हैं वो कम रेट में आ जाते हैं, इसलिए उनको बेच देते हैं। बाकी होते वो सब रियल हैं, आप लैब टेस्ट ले सकते हैं। बाकी पहचान से, बाकी आपको पहनेंगे आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कुछ बात। आप नकली रुद्राक्ष कुछ भी ले लें मार्केट से, आप पहनेंगे आपको कुछ भी प्रभाव पड़ेगा। जब आप रियल लेंगे आपको 10-15 दिन में खुद ही महसूस हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव वाइब वगैरह आएंगी, आपको अच्छे सपने आएंगे, आपका काम सब होने लगेगा, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। जैसे आपने रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो उसी हिसाब से आपको खुद महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन आप पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं हो सकते, जैसे आप बताएं मैं नकली एकदम पहचान लूँ, वो नहीं है। लेकिन मैंने कुछ टिप्स आपको दे दी है, उस हिसाब से आप नकली रुद्राक्ष पहचान सकते हैं। और असली रुद्राक्ष आप कहीं से ले, उसमें द्रव्य निकल होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं ना हल्के से, आपको शायद दिख रहा होगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो लाइन वगैरह दिख रही है, नकली रुद्राक्ष में एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये असली रुद्राक्ष है, उसमें यह है। तो आज आपको मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। देखिए, पहली बात तो है कोई भी रुद्राक्ष लें आप, मतलब विश्वास वाली दुकान से लें, ऑनलाइन मंगाएं तो, अगर ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो लैब टेस्टेड मंगाएं,
बाकी आप मार्केट्स ले लें, पानी डूब, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि पानी में डूब रहा है, और वो जो शिवलिंग बने हैं, ओम बने हैं, कुछ कहता है तांबे के सिक्के में, वो सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पूरी तरह एक्सपर्ट जान नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको जैसे बता दी, लैप टेस्ट लें, या फिर वो आपका कुछ समय बाद काला हो जाएगा, या फिर वो जो निकल रहते हैं इसके नकली वगैरह में, ऐसा नहीं, नकली एकदम साफ सुथरा आपको एकदम देखेगा, उसमें नेचुरलपन दिखेगा नहीं, इतना तो आप देख के भी पहचान जाएंगे, जो भी कुछ होगा ना वो आपको पहचान जाएगा। अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है, अगर आपने ले रखी है कहीं से, आपको डाउट है कि मन में कि वो असली या नकली, आप पूछना चाहते हैं, वो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है sahilagnihotri96, तो आप उसमें फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं, तो मैं आपको सारी जानकारी उसमें दे दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। तो अगली वीडियो में आपको जैसे भी रुद्राक्ष की जो जो चीज़ें होगी सारी जानकारी आपको देता रहूँगा, मिलती रहेंगी A to Z। जब मिलते हैं फिर आपसे, जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।